दोस्तों, हम माने या ना माने, पैसा हम सबकी जिंदगी में खास जगह रखता है। ये सच है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि पैसा बहुत कुछ है। आपको कपड़े लेने तो पैसा चाहिए, खाना खाना है तो पैसा चाहिए, इलाज करवाना है तो पैसा चाहिए। आज इस वीडियो में जो फ्रेमवर्क मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एग्जैक्ट वही फ्रेमवर्क है जो मिलियनर्स और बिलियनर्स ने इस्तेमाल किया है अमीर होने के लिए। हम लोग चाहते थे इस फ्रेमवर्क पर एक 5,000 का कोर्स बनाकर बेच सकते थे या एक 500 रुपए की किताब बनाकर बेच सकते थे और वो खरीदने पर आपका एक एक पैसा वसूल होता, लेकिन हम लोगों ने इसे फ्री में देने का सोचा क्योंकि आप लोगों ने हमें ऑलरेडी बहुत प्यार दिया है। सीधी सीधी बात कहूं तो इस वीडियो में आपको जो 15 स्टेप्स फ्रेमवर्क मिलने वाला है, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो जरूर अमीर बनोगे। और ये भी कम्युनिटी में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी वेल्थ बनाई है, पैसा बनाया है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके कंफर्म कर दो कि आपने भी इसी तरह से या इससे मिलते जुलते तरीके से पैसा बनाया है या नहीं। और अगर आपने इतना पैसा नहीं बनाया लेकिन आप में पैसा कमाने का जुनून है तो आप यस आई विल कमेंट कर देना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने मल्टीपल बिजनेसेस में इसी फ्रेमवर्क से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। हमारी टीम ने सैकड़ों बिजनेसेस, बिजनेस मॉडल्स और हजारों सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स को स्टडी करने के बाद ये फ्रेमवर्क बनाया है। बिलियनर्स हो या स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सब यही पाथ फॉलो करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी डायरी, पेन, पेंसिल साथ रखकर ये वीडियो देखो और नोट्स बनाते जाओ ताकि आपका कामयाबी का रास्ता हमेशा आपकी नजरों के सामने रहे। वीडियो शुरू करने और वेल्थ बिल्डिंग के एक्चुअल स्टेप्स में जाने से पहले कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, वी ऑल आर नॉट सेम। हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हर एक की अपनी फाइनेंशियल, एजुकेशनल, पर्सनल और एनवायरमेंटल सिचुएशंस हैं। यानी हमारी फिनिश लाइन भले ही एक हो लेकिन हम सब की स्टार्टिंग लाइन काफी अलग है। नंबर 2, डेट। डेट यानी कर्जा, आज की दुनिया का सबसे टेम्पटिंग वर्ड। आपको एहसास भी नहीं होता कि आप अपने सैलरी या प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा खो रहे हो। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और ऑथर नेथन डब्ल्यू मॉरिस ने अपनी किताब योर 30-डे मनी एक्शन प्लान में कहा है कि एवरी टाइम यू बोरो मनी यू आर रॉबिंग योर फ्यूचर सेल्फ। यानी आप जितनी बार पैसा उधार लेते हो उतनी बार आप अपने फ्यूचर को बर्बाद करने की ओर कदम बढ़ाते हो। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी तो कहते हैं कि डेट अच्छा है। चलिए आज आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। चाहे आपने गुड डेट लिया हो या बैड, बिना रीपेमेंट प्लान के लिया हुआ डेट हमेशा बुरा होता है। कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो की माने तो डेट टू इनकम रेशियो का 43% से ज्यादा होना आपकी सेविंग्स पर भारी पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि जो आपकी मंथली इनकम है और जो आपकी ईएमआई मंथली जा रही है उसका रेशियो आपकी इनकम से 43% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लो 100 रुपए आपकी मंथली इनकम है और 43 रुपए से ज्यादा आपकी ईएमआई जा रही है तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है और आपकी लाइफ मिजरेबल बना सकता है। इस फ्रेमवर्क पर काम शुरू करने से पहले अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो एक जॉब करो या एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। ऑलरेडी जॉब करते हो तो एक और पार्ट टाइम जॉब करो, ओवर टाइम करो, लेकिन अपना कर्ज सबसे पहले उतारो। उसके बाद कोई नया कर्ज मत लो, खुद को डेट फ्री करके एक क्लीन स्टार्ट करो। नंबर 2 है डिपेंडेंसीज। बिजनेस स्टार्ट करते समय यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शुरुआत के कुछ सालों में आपकी इनकम काफी स्लो होगी। इसलिए अगर आपके बच्चे हैं, परिवार हैं जो आप पर डिपेंडेंट है तो बेहतर यही होगा कि आप अपने बिजनेस को एक साइड प्रोजेक्ट की तरह शुरू करो और जब उससे आपकी सैलरी से ज्यादा रेवेन्यू आने लगे तो जॉब छोड़कर फुल टाइम बिजनेस पर फोकस कर सकते हो। जो लोग इन्हीं डिपेंडेंसीज के कारण कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि बस थोड़ी सी मेहनत और हिम्मत की जरूरत है, आप भी पैसा कमा सकते हो। नंबर 3 है इनकम एंड सेविंग्स। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही, फिर चाहे आप इसे बूटस्ट्रैप यानी बिना किसी इन्वेस्टर के ही क्यों ना शुरू करने वाले हो तो भी आपको कुछ ना कुछ मनी इन हैंड तो चाहिए। यहां आपके बचाए हुए पैसे आपके काम आ सकते हैं। और नंबर 5, इट टेक्स टाइम। सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां लोग रातों रात शोहरत का सफर तय करना चाहते हैं, उन्हें ये रियलाइज करना जरूरी है कि कोई भी चीज बिना टाइम और मेहनत इन्वेस्ट किए नहीं मिलती। अचानक मिला नेम और फेम कभी भी लॉन्ग लास्टिंग और वेल्थ क्रिएटिंग नहीं होता है। इसलिए अगर आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो ये मानकर चलना होगा कि ऑन एन एवरेज एक सक्सेसफुल बिजनेस को एस्टैब्लिश होने में कम से कम 7 साल लगते हैं। अगर आप ज्यादा स्मार्ट और फास्ट भी हुए तो भी कम से कम 5 साल तो लगेंगे। अगर थोड़े स्लो हुए तो 10 भी लग सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आपको हार नहीं माननी है। अगर अपने बिजनेस को आपने 5 साल तक जिंदा रख लिया तो आप जरूर अमीर बन जाओगे। तो इन्हीं नोट्स के साथ आइए अब हम अपनी अल्टीमेट गाइड टू बिकम रिच के 15 स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, एस्टैब्लिश द गोल। आपका गोल क्या है? अमीर बनना। लेकिन अमीर होने के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। झोपड़ी में रहने वाले को 1 BHK वाला अमीर लगता है, 1 BHK वाले को 3 BHK वाला अमीर लगता है और 3 BHK वाले को एक बंगले वाला अमीर लगता है। इसलिए ये आपका गोल नहीं हो सकता। गोल ऐसा होना चाहिए जैसे याद करते ही मन में एक अर्जेंसी फील हो। गोल इतना अपीलिंग होना चाहिए कि अगर आप नेटफ्लिक्स पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको आपका गोल याद आ जाए तो आप क्लाइमेक्स छोड़कर भी काम पर लग सको। हर कामयाब पर्सन यही कहता है कि गोल सेट करना अपने सपनों को आकार देने का पहला स्टेप है। इसलिए जरूरी है कि आपका गोल एक स्मार्ट गोल हो। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक
और टाइमली, यानी करोड़पति बनने जैसा इम्पॉसिबल सा लगने वाला गोल बनाने के बजाय क्यों ना आप छोटे छोटे गोल्स बनाकर उन्हें पूरा करो। आपके यही छोटे छोटे कदम आपके सपने और हकीकत के बीच की खाई को भरेंगे। आइए एक स्मार्ट गोल का एग्जांपल समझते हैं। आपका स्मार्ट गोल ये हो सकता है कि मैं अगले एक महीने में अपने नए बिजनेस से 50,000 कमाने वाला हूँ। जैसे जैसे आप इन माइलस्टोन्स को हासिल करते जाओ, वैसे वैसे अपने गोल की अपर सीलिंग भी बढ़ाते जाओ। ऐसा करने से आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे। गोल सेट करते समय टाइमलाइन सेट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टाइमलाइन का गोल एक ऐसे सपने जैसा है जिसे आप देखते तो हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते। यानी अगर आपको 50,000 पर मंथ की सेल्स अचीव करनी है तो कितने महीनों में करनी है उसके सामने ये भी लिखो। इस तरह देखते ही देखते आप कब फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे आपको एहसास भी नहीं होगा। स्टेप नंबर 2, सिंप्लीफाई योर गोल्स। गोल सेट करने के बाद बारी आती है ये समझने की कि उसे हासिल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, और ये जानने के लिए आपको अपने गोल्स को सिंप्लीफाई करना होगा। गोल्स सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसमें आप पहले अपने एंड पॉइंट यानी अपना गोल डिसाइड करते हो, फिर हर एस्पेक्ट को बैकवर्ड ट्रेस करते हुए एनालाइज करते हो कि कहां से शुरू किया जाए। अब बारी है थोड़ा मैथ्स लगाने की। आइए, जैसे आपका गोल था एक महीने में 50,000 का, अब आप कैसे कमा सकते हो? या तो आप 5 लोगों को 10,000 का सामान बेचो, या 10 लोगों को 5,000 का, या 50 लोगों को 1,000 का। अगर आप चाहते हो कोई आपको 1,000, 5,000 या 10,000 रुपए दे, तो आपको उसे उतनी वैल्यू का कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप प्रोडक्ट में जाओगे या सर्विसेज में। आपने चुना प्रोडक्ट, अब सोचिए कि आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, फिजिकल या डिजिटल। अगर आपको फिजिकल प्रोडक्ट में जाना है तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा, प्रोडक्शन यूनिट लगेगी, उसे कैसे सेट करेंगे, सारा सामान कहां से लाओगे उसकी लिस्ट बनाओ, लॉजिस्टिक और मार्केटिंग कैसे करोगे ये प्लान करो। अगर आपका प्रोडक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा तो आपको अपनी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको डोमेन नेम, वेब होस्टिंग और पेमेंट पार्टनर चाहिए। इसके बाद ये तय करो कि आपका डोमेन नेम क्या होगा, लोगो क्या होगा, आप कस्टमर्स तक कैसे पहुंचोगे, बैंक अकाउंट खोलना हो तो किस बैंक में खोलोगे, किस पेमेंट गेटवे को अपनी वेबसाइट से लिंक करोगे। ये सभी चीजें आपको टॉप टू बॉटम फॉर्म में लिखनी है, वो भी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के साथ। हो सकता है कि कई स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए आपको नए स्किल्स की भी जरूरत पड़े, तो उसे सीखने की भी टाइमलाइन डिसाइड करो, तब जाकर आपका गोल सिंप्लीफाई होगा और आपको अपने सपने तक ले जाने वाला रास्ता आंखों के सामने दिखने लगेगा। इन शॉर्ट, गोल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से रिजल्ट पाने के लिए आपको कौन सा एक्शन लेना है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल को सिंप्लीफाई नहीं कर पाए तो आप उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। स्टेप नंबर 3, एजुकेट योरसेल्फ एंड बिल्ड स्किल्स। गोल्स को एक्शनेबल प्लान में बदलने के बाद अब टाइम है थोड़ी लर्निंग का। जी हाँ, आप ऐसे ही अमीर नहीं बन जाओगे, इसके लिए एक्चुअल में काफी लर्निंग की जरूरत पड़ती है। आपको अपने बिजनेस के पूरे इकोसिस्टम को समझना होगा। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वहाँ चीजें कैसे काम करती हैं, क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। आप जो करने वाले हो आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने इसे किया होगा, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ो, उनका मॉडल रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, दूसरों के बिजनेस को स्टडी करो ताकि आप उनके सक्सेस और फेलियर से सीख सको। अपनी जर्नी के इस पार्ट में आपको एक मैग्नेट की तरह अपने चारों तरफ से वैल्यूज और नॉलेज को अट्रैक्ट करना है। यकीन मानो, ये लर्निंग स्कूल की लर्निंग से काफी अलग है। यहाँ एक बार आप सीखना शुरू कर दोगे तो आप इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगोगे और फिर आपका खुद ब खुद इसके डिटेल में जाने का मन करेगा। हर बड़ी चीज की शुरुआत लर्निंग से ही होती है। सभी सक्सेसफुल लोग यही कहते हैं कि सेल्फ लर्निंग उन्हें और भी सक्सेसफुल होने में हेल्प करती है। वो जितना ज्यादा मीनिंगफुल नॉलेज गेन करते हैं उनकी जर्नी उतनी मजेदार होती जाती है। लेकिन सीखने का सफर केवल थ्योरी तक सीमित नहीं है, आपको हर चीज का प्रैक्टिकल करके भी देखना होगा। जैसे क्रिकेट का छक्का कैसे मारना है ये आप किसी किताब से नहीं सीख सकते, उसी तरह बिजनेस का छक्का मारना भी आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। अपनी लर्निंग्स को आप जितना ज्यादा अप्लाई करोगे आप उसमें उतना माहिर होते जाओगे और धीरे धीरे आपकी लर्निंग्स आपकी स्किल्स में बदल जाएगी। और बिजनेस में स्किल्स की कितनी वैल्यू होती है ये तो आप समझते ही हो। जब आप स्किल और टाइम को एक साथ मिला देते हो तो पैसे की एक सक्सेसफुल इक्वेशन तैयार होती है। स्टेप नंबर 4, वर्क एवरी सिंगल डे। आपने गोल सेट कर लिया, टाइमलाइन के साथ अपना एक्शनेबल प्लान भी प्रिपेयर कर लिया, अब शुरू होता है असली मेहनत का खेल जिस पर आपका सारा फ्यूचर टिका है। इस खेल का बस एक ही रूल है, आप जितना ज्यादा काम करोगे आपको रिजल्ट उतनी जल्दी देखने को मिलेंगे। आप यूं समझ लो कि आपका सपना किसी मूर्ति की तरह है जो एक बड़े पत्थर के रूप में तराशे जाने का इंतजार कर रही है। एक बार आपने तराशने की स्किल सीख ली, फिर आप जितनी जल्दी तराशेंगे आपकी मूर्ति उतनी जल्दी तैयार होगी। एक तरह से यह आपका टेस्ट है कि आप अपने सपने के लिए कितने सीरियस हो, आप में कितनी शिद्दत है। अगर आपने ये मान लिया कि ये वही काम है जिसके लिए आप बने हो तो हार मत मानिए। चाहे सिचुएशन जो भी हो, जब तक आप जीत ना जाओ तब तक हार एक्सेप्ट ना करो। जिंदगी की रेस में जीत का बस यही मंत्र है। इस रेस को जीतने में आपकी मदद करेगा डिसिप्लिन। आपकी बातों में, एक्शंस में और माइंडसेट में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, वरना आप बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हमेशा खुद को याद दिलाते रहो कि आज आपके पास मौका है
और अगर आज आपने मेहनत कर ली तो आपकी बाकी की जिंदगी अमेजिंग बन जाएगी। हो सकता है कि आपको लगे कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, पर यकीन मानिए कि ये मुश्किल आपको शुरुआत के कुछ महीने में ही आने वाली है। एक बार आपको छोटे छोटे सक्सेस मिलना शुरू हो गई तो आपको खुद ही मजा आने लगेगा। वैसे भी आदत अच्छी हो या बुरी, उसे आदत बनने में केवल एक महीना ही लगता है। स्टेप नंबर 5, गेट थिंग्स डन। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे हम डिफरेंशिएटर स्टेप मान सकते हैं। गोल बनाओ, टाइम मैनेज करो, हार्ड वर्क करो, ये सब तो सब जानते हैं और काफी लोग करते भी हैं, लेकिन फिर भी कई लोग फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीजों पर फोकस करते रहते हैं और छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले हर चीज परफेक्ट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। इस चक्कर में उनका गोल सालों तक केवल ब्लूप्रिंट के रूप में ही रह जाता है। वहीं जो लोग छोटी छोटी माइलस्टोन पर वर्क करके अपने सपनों को जमीनी हकीकत में बदल देते हैं, वो सक्सेस तक जरूर पहुंचते हैं। जितना जरूरी प्लानिंग करना है उतना ही जरूरी एक्शन लेना भी है। आपको वेबसाइट बनानी है तो जाइए, आपका डोमेन नेम सिलेक्ट कीजिए, उसे होस्ट कीजिए और लाइव आइए। प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप तैयार हो तो उसे मार्केट में लॉन्च करिए। उसके बाद आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के हिसाब से ट्रबल शूट कर सकते हो। आप चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, रियल मार्केट में आने के बाद ही असल प्रॉब्लम्स का पता चलता है। छोटी छोटी चीजों का कंप्लीट करके अपने टू डू लिस्ट में टिक लगाना बहुत रिवॉर्डिंग होता है और ये आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। तो स्टेप 1-5 में हमने बात की बिजनेस लॉन्च करने के बेसिक स्टेप्स के बारे में। अब आगे के स्टेप्स में हम इनकम जनरेशन और वेल्थ बिल्डिंग सीखेंगे। स्टेप नंबर 6, आउटसोर्स द रिपीटेटिव टास्क। बिजनेस चलाने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए। हो सकता है कि आप अपना 80% काम खुद करना चाहो और शुरुआत में ये पॉसिबल भी हो। मेल चेक करना, क्लाइंट से बात करना, उन्हें रिप्लाई करना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर पैकेजिंग तक सब आप खुद कर सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि कब तक? एक पॉइंट के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। इस तरह से आप अपने बिजनेस को कभी स्केल नहीं कर सकते। अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हो तो आपको अपना बिजनेस ऑटोमेट करना होगा। बिजनेस में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें किसी क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती, जैसे मेल रीडिंग एंड रिप्लाइंग, प्रोडक्ट पैकिंग। ऐसे ही कई रिपीटेटिव कामों के लिए आप दूसरों को हायर कर सकते हो। हायर करते समय ये ध्यान जरूर रखो कि आपके बिजनेस के लिए कोई भी उतनी शिद्दत से काम नहीं कर सकता जैसे आप करते हो। अब आपको अपना क्लोन मिलना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को काम पर रखो जिनमें सीखने की लगन हो। ऐसे लोग आसानी से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। देखो, आपको कभी भी ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो 100% आपके जैसा काम कर सके। यूज व्हाट यू हैव गॉट बुक में ऑथर बारबरा कोकोरन कहती हैं कि अगर कोई आपका 80% काम भी कर रहा है ना, तो आपको उसे आउटसोर्स कर देना चाहिए। जिस दिन आप अपने बिजनेस को 80% तक ऑटोमेट करने में कामयाब हो गए, उस दिन आपका बिजनेस एक बड़ा वेंचर बनने के लिए तैयार हो जाएगा और आपके हाथ में अभी 20% क्रिएटिव साइड रहेगा जिसमें आप अपने स्किल्स की मदद से कुछ नया कर सकते हो। स्टेप नंबर 7, एनालाइज एंड इम्प्रूव। स्टेप 6 के बाद आपके पास अपना बिजनेस होगा, सर्वाइव करने के लिए इनकम भी आने लगेगी, लेकिन अभी भी आप आधे सक्सेसफुली कहलाओगे। सक्सेस का असली स्वाद चखने के लिए अब जरूरत है बिजनेस को एक नए आयाम पर ले जाने की, जिसके लिए आपको करनी होगी एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट। कहा जाता है कि नो वन नोज योर बिजनेस बेटर देन यू, यानी आपके बिजनेस को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बिजनेस की गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लो और उसे सही डायरेक्शन में ले जाओ। पहली जरूरी बात, आपके पास अपने बिजनेस के हर डिटेल्ड रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि आप ये पता लगा सको कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इससे आपको फ्यूचर स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प मिलेगी। दूसरी बात कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी जानो और एनालाइज करो कि उनके लिए क्या वर्क कर रहा है, उनका कस्टमर एक्विजिशन प्लान क्या है, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जब आपको इन दोनों बातों की नॉलेज मिलने लगेगी तो आप अपने बिजनेस में जरूरी चेंजेस कर पाओगे जो आगे जाके आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपने उन रिसोर्सेज को हैंडल करना जो आपके पास हैं। वो रिसोर्सेज हैं आपका रेवेन्यू, आपके साथ काम करने वाले लोग और आप खुद। आप इन तीनों को जितने अच्छे से मैनेज करोगे, आपका बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो करेगा। जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपको एहसास होगा कि पैसा आना शुरू हो गया है, लेकिन पैसा कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ आते हैं लालच, टेम्पटेशन और डिजायर्स। इस पॉइंट पर इन तीनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और यही हमारा अगला स्टेप काम में आता है। स्टेप नंबर 8, लिव लाइक यू आर पुअर। यह एक बहुत जरूरी सबक है जो ज्यादातर लोगों को असल में अमीर होने से रोक देता है। ये सबक जिसने भी सीख लिया वो अपने फ्यूचर को अपनी मुट्ठी में करने में कामयाब होगा, और जिन्होंने नहीं सीखा वो सब कहीं ना कहीं मिडिल क्लास स्टेट में कैद होकर रह गए और कभी असली दौलत का स्वाद नहीं चख पाए। वो सबक है, द लॉन्गर यू लिव लाइक यू आर पुअर व्हेन यू डोंट हैव टू, द रिचर यू बिकम। यानी पैसे आने के बाद भी आप जितनी देर तक ये मानकर जियोगे कि आप गरीब हो, आप उतने ज्यादा अमीर बनते जाओगे। जी हाँ, आपने सही सुना, सेल्फ कंट्रोल ही वो इम्पोर्टेंट मंत्र है जो दिखावे और असलियत में फर्क बताता है। अपने हाथ में पैसा आते देख ख्वाहिशों के जाल में फंसना बहुत आसान है। आपको लगेगा कि आप लोगों को अपनी कामयाबी दिखाओ, आपकी नई कार, महंगा फोन, आखिर आपने 5 साल मेहनत की है, तो अब जब ये पैसा आने लगा है
आप खुद को अपनी मेहनत का रिवॉर्ड क्यों ना दो, क्यों ना ऐसे खर्च करो, क्यों ना लोगों को दिखाओ। बात सोचने में तो एकदम सही लगती है, अब जबकि आप ये सब अफोर्ड कर सकते हो तो आखिर क्यों ना लो। और इसी सोच के साथ मिडिल क्लास बने रहने का रोड मैप तैयार होता है। आपने बहुत मेहनत की, लगभग आधे से ज्यादा रेस दौड़ ली, लेकिन अभी भी आप फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचे हो, अभी रेस खत्म नहीं हुई है। फिनिश लाइन पर पहुंचे बिना आप खुद को मेडल कैसे दे सकते हो। इस स्टेप पर आकर सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप सिर्फ अमीर दिखने में ही ना रह जाओ बल्कि असल में अमीर बनो। आइए देखते हैं आप ये वेल्थ बिल्डिंग कैसे करोगे। स्टेप नंबर 9, सेव टू इन्वेस्ट। वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे जरूरी है आपको जो एक्स्ट्रा पैसा आता हुआ दिख रहा है उसे कहीं ऐसी जगह रखो जैसे वो पैसा आपके पास है ही नहीं। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। हमेशा याद रखिए कि आपकी सेविंग्स एसेट्स खरीदने में इस्तेमाल होने चाहिए, लायबिलिटीज में नहीं। यही वेल्थ बनाने का असली फंडामेंटल है। दोस्तों, दो तरह की सोच होती है। पहली, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं, आप पैसा इसलिए कमाते हो ताकि आप वो सब खरीद सको जो आप चाहते हो। और दूसरी, कि आप पैसा इसलिए कमाते हो ताकि आप उस पैसे से और पैसा कमा सको, यानी अपने पैसों को मनी जनरेटिंग मशीन बना सको। बस आपने अपने लिए बहुत सी मनी जनरेटिंग मशीन बना ली, फिर फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे, तब आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। क्योंकि जो लोग पैसों को अपनी चाहतों पर खर्च कर देते हैं, उनके पैसे की वैल्यू इंस्टेंटली डेप्रिशिएट होने लगती है, यानी कम होने लगती है। लेकिन जो लोग पैसों का इन्वेस्ट करते हैं, उनके पैसे की वैल्यू कहां से कहां पहुंच जाती है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर आप पहली वाली सोच पर चलते हो तो आपको जितनी ज्यादा चीजें चाहिए आपको उतना ज्यादा काम करना होगा। वहीं अगर आप दूसरी सोच को फॉलो करोगे तो आज आप जितना ज्यादा काम करोगे आपके फ्यूचर में उतना कम काम करना होगा। बस कुछ साल और आपको वही लाइफस्टाइल फॉलो करनी है जिसके साथ आप यहाँ तक पहुँचे हो, उसके बाद आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर की गाड़ी को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया है जहां आपका पैसा आपके लिए कमाएगा। इस पॉइंट पर आपका फ्यूचर सिक्योर करना बहुत जरूरी है, वरना आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। स्टेप नंबर 10, इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझने के बाद अब बारी है ये जानने की कि इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए। ये तो आप इन्वेस्टमेंट पर हजारों आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल गेन्स। कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट वो है जहां बेसिकली आपको हर महीने पैसे आते रहेंगे, जैसे रेंटल इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स, डिविडेंड्स, पीयर टू पीयर लेंडिंग, जिसे हम आसान भाषा में ब्याज पर पैसे देना कहते हैं। वहीं एप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल गेन्स, यानी हम कुछ ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिसे आगे चलकर हम एक बड़े प्रॉफिट मार्जिन के साथ हाई रेट में बेच सकें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, गोल्ड एंड सिल्वर, आर्ट एंड कलेक्टिबल्स, क्रिप्टो करेंसीज। रियल एस्टेट और स्टॉक्स दो ऐसी चीजें हैं जो आपको कैश फ्लो इनकम और कैपिटल गेन्स दोनों दिला सकती है। अगर आप इन्वेस्टिंग में एक बिगिनर हो या आपके पास इन्वेस्टिंग की डिटेल में जाने का टाइम नहीं है और आप अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहते हो, तो मेरी सलाह यह है कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफेस्ट तरीका है। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारीकियों को समझना चाहते हो तो एक बार रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़िए और समझिए कि कैसे रियल एस्टेट ने उन्हें मिडिल क्लास ट्रैप से निकालकर वेल्दी कम्युनिटी में शामिल होने का मौका दिया। और ब्रैंडन टर्नर की बुक रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग भी जरूर पढ़िए। स्टेप नंबर 11, री इन्वेस्ट इन द मेन बिजनेस। आपका बिजनेस चलने लगा, आपने इन्वेस्टमेंट से अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया, अब एक बात तो पक्की हो गई कि आप दोबारा गरीब तो नहीं हो गए, लेकिन अभी भी आप असल में अमीर भी तो नहीं हुए, अभी सफर बाकी है। अब बारी है घूम फिर कर वहीं आने की जहां से आपने शुरू किया था, यानी आपका मेन बिजनेस। जब बिजनेस से पैसे आने लगते हैं तो उन्हें मैनेज करने में कई बार हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अपने बिजनेस पर ध्यान देना भूल जाते हैं। और यही है अमीर बनने के रास्ते का दूसरा जाल, जिसे नेग्लेक्टिंग द काउ कहते हैं। अगर आप इस जाल से बचने में कामयाब हो गए तो आपकी जीत पक्की है। सोचिए, आपको बिजनेस शुरू किए लगभग 5 से 6 साल हो गए। आपने जब शुरू किया था तब और आज में बहुत कुछ बदल गया है। कस्टमर्स बदले हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, यहाँ तक कि आपको कॉम्पिटिटर्स भी बदल गए हैं। अगर अब आपने अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया तो मार्केट आपके हाथ से निकल सकता है। अब टाइम आ गया है कि आप नए टूल्स का फायदा उठाओ और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर ऑलरेडी इसका फायदा उठा रहे हो। वैसे भी मार्केट कॉम्पिटिशन से भरा पड़ा है और लास्ट में जीत उसी की होगी जिसमें जीत की भूख ज्यादा बड़ी होगी। इसलिए बिजनेस स्ट्रेटेजी मास्टर्स कहते हैं कि बिजनेस से निकलने वाली इनकम का आधा हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी का आधा उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप उसे ग्रो कर सको। बिजनेस दो तरह से ग्रो करता है। पहला, वर्टिकल ग्रोथ, यानी आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो उसी को मॉडिफाई करो और कस्टमर्स फ्रेंडली बनाओ, अपना प्रोडक्शन चेन, लॉजिस्टिक, हर एक चीज को मजबूत करो। दूसरा है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, यानी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, कोई नई सर्विसेज या एड ऑन्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करो। अपने आप में और अपने बिजनेस में की जाने वाली यही री इन्वेस्टमेंट अमीर बनने के फाइनल चैप्टर की शुरुआत है। स्टेप नंबर 12, फाइंड अ सक्सेसफुल मेंटर।
क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि गूगल मैप्स और जीपीएस के बिना किसी अनजान रास्ते पर जाना कैसा होगा? सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि आप अभी कहां पर हो, आपको जिस जगह पहुंचना है वो किस तरफ है, आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं गए। ये सब पता करते हुए मंजिल तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा ना। ठीक इसी तरह अपने बिजनेस को भी बिना किसी मेंटर के ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। आप इस स्टेज तक पहुंचे हो तो एक बात तो क्लियर है कि आप अपने बिजनेस को लेकर सच में सीरियस हो और आप में उसे ऊंचाइयों तक ले जाने की सारी स्किल्स मौजूद हैं। बस कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो आप आसमान छू लोगे। तो अब बारी आती है अपने बिजनेस का जीपीएस यानी अपना मेंटर ढूंढने की। चाहे आपका काम या आपका बिजनेस कितना भी यूनिक क्यों ना हो, देश में 5 से 10 लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने लगभग आपके जैसा रास्ता फॉलो किया होगा और आज वो अपने बिजनेस में किंग का रुतबा रखते हैं। उन्हें ढूंढो और अपना बिजनेस प्लान पूरी सच्चाई से उन्हें बताओ, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। जो लोग सेल्फ मेड और सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। बस आपको उन तक पहुंचना है और उन्हें अपनी काबिलियत का यकीन दिलाना है ताकि वो ये समझ सके कि आप सीरियस हो, आप उनका और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। एक सही मेंटर बहुत वैल्यूएबल होता है। उसकी रेगुलर एडवाइसेस ना केवल आपके बिजनेस को फेलियर से बचाती हैं बल्कि उसके ग्रोथ एक्सेलरेशन में भी मदद करती है। स्टेप नंबर 13, ग्रो योर नेटवर्क। बहुत से लोग कहते हैं कि इट्स लोनली ऑन द टॉप, पर असल में ऐसा कहने वाले लोग वही होते हैं जो खुद कभी टॉप तक पहुंचे ही नहीं। जब आप टॉप पोजीशन पर होते हो तो आप 100 लोगों से मिलते हो, उनमें से कई आप जैसे ही जुनूनी होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके अपने लिए एक मुकाम बनाया। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो तो बड़ी आसानी से एक दूसरे से रिलेट कर पाते हो और एक गहरा रिश्ता सा बन जाता है। यहीं से शुरुआत होती है नेटवर्क बिल्डिंग की। आपका नेटवर्क आपकी काफी मदद करता है, फंडिंग, रिसोर्सिंग से लेकर कॉन्ट्रैक्ट लेने देने तक। इसके अलावा यह नेटवर्क मीनिंगफुल डिस्कशंस और आइडियाज एक्सचेंज करने का भी प्लेटफॉर्म होता है, जहां लोग एक दूसरे को एडवाइसेस देते हैं और गलतियां करने से रोकते हैं। इसलिए नेटवर्क की पावर को अंडर एस्टिमेट ना करो, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। स्टेप नंबर 4, लेवरेज योर कॉन्टैक्ट्स टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। इन लास्ट फेजेस में आपके पास एक बिजनेस है जो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, आपके पास कई इन्वेस्टमेंट्स है जो अच्छे चल रहे हैं और अब आपको दोस्तों का एक नया नेटवर्क भी मिल गया है। आप सभी एक ही चीज की तलाश में हो, नई अपॉर्चुनिटीज। ग्रुप आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के वो सभी रास्ते खोल देता है जो अकेले के बस के बाहर है। आप सभी अपने रिसोर्सेस पुल करके मेगा डील्स क्रैक कर सकते हो, जैसे आप अकेले एक फ्लैट खरीद सकते हो लेकिन ग्रुप में पूरी बिल्डिंग खरीद कर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपके नेटवर्क के साथ मिलकर आप कई नई अपॉर्चुनिटीज को टैप करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। स्टेप नंबर 15, सेल द बिजनेस एंड डू इट ऑल ओवर अगेन इन अ बिगर फॉर्म। आप सोच रहे हो कि ये क्या बोल दिया, अभी तो इतनी मुश्किल से बिजनेस बनाया था, बेचना ही क्यों? दोस्तों, हर बिजनेस का एक एग्जिट प्लान होता है। आप बिजनेस शुरू करते हो, उसे बड़ा बनाते हो और बड़ा बनाते हो और फिर एग्जिट। यही वो रास्ता है जिसे ज्यादातर अमीर इंसान अपनाते हैं। इससे आपको कुछ और बहुत बड़ा करने का मौका मिलता है। इलॉन मस्क ने अपने पेपाल के शेयर 180 मिलियन डॉलर्स में बेचकर अपनी किस्मत के नए दरवाजे खोले थे। कौन जाने कोई ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आपका भी इंतजार कर रही हो। बीते 7 से 11 सालों में आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आए। आप लगभग 10 सालों से एक बिजनेस चला रहे थे, अपने बिजनेस को इवॉल्व करते करते आप खुद भी इवॉल्व हुए हो और आज आपके पास एक अच्छा खासा बिजनेस एक्सपीरियंस है, एक सिक्योर्ड फ्यूचर है, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। यही वो समय है जब आप कुछ और बड़ा कर सकते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि 5 से 10 करोड़ में अपनी कंपनी बेचकर रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन बीच पर नींबू पानी पीते हुए रिलैक्स्ड आदमी की वो इमेज केवल एक इल्यूजन है। अब आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप चुप बैठ ही नहीं सकते। अब जब आपके पास फंड, रिसोर्सेज, नेटवर्क और सिक्योरिटी सब कुछ है, तो अब बारी है किसी बहुत बड़े गोल के प्लानिंग की। यही लाइफ और सक्सेस दोनों का मंत्र है। दुनिया, देश, परिवार और खुद के लिए यूजफुल होने में ही खुशी है और जिंदगी सेटिस्फाइड रहने से ज्यादा खुश रहने का नाम है। तो दोस्त, ये थी 15 स्टेप्स अल्टीमेट गाइड टू बिकम रिच। बहुत मेहनत की वीडियो बनाने में, लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी मत करना। यह बुक ऐप पर बुक समरी सुनते रहो, आपकी लर्निंग फेस में यह बहुत काम आएगी। और किताबें भी पढ़ते रहो। इस वीडियो में मैंने आपको 2 बुक्स रिकमेंड की है, वो जरूर पढ़ना। और मैं आपको इन्वेस्टमेंट पर एक बेस्ट बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ जो आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स सिलेक्ट करने के तरीके बताती है। इस बुक में बताया गया है कि मल्टीबैगर स्टॉक्स में क्या क्वालिटीज होती हैं। आप इस किताब को पढ़कर आसानी से मल्टीबैगर स्टॉक्स चुन सकते हो। इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने खुद ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है जिन्होंने मुझे मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, 20, 25, 30 बैगर रिटर्न्स। इट्स इनसेन। और ये किताब है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। इस किताब की डिटेल्ड बुक समरी चैप्टर बाय चैप्टर ये बुक ऐप पर हमने अपलोड कर दी। और इस किताब का जो मेन पार्ट है चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 14 तक, वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये किताब जस्ट प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल है और प्रीमियम आप ले सकते हो जस्ट 399 फॉर अ ईयर।
मैं देख रहा हूँ कुछ और एप्स हैं जो कि 1000 रुपए से भी ज्यादा चार्ज करते हैं उनकी प्रीमियम मेंबरशिप के लिए, जहां पर इतनी सारी बुक समरीज भी नहीं है और हर क्लिक पर वहां एड्स आते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्हें कंपेयर करोगे ये बुक ऐप से, तो आप जानोगे कि वो लोग ये बुक ऐप के फीचर, ये बुक ऐप का UI कॉपी करते रहते हैं। पहले उन्हें कोई चीज इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन जब ये बुक ऐप की टीम वो पॉसिबल कर देती है तो बिल्कुल वैसे के वैसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और कुछ और प्लेटफॉर्म है जो एक बुक समरी के लिए 400-500 यहाँ तक के 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं, जस्ट एक बुक समरी के लिए। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये सही नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा, ये बुक ऐप हमने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई। मैं हमेशा से यही मानता हूं कि जो हिंदी रीडर्स हैं, जो इतनी महंगी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी अधिकार है कि वो इन बुक्स से नॉलेज ले पाए, अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपनी लाइफ को और अपनी सोसाइटी को और अपने देश को एक बेहतर जगह बनाए। कई लोग मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, दुनिया कैसे चलती है, पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है, जॉब इंटरव्यूज में कैसे बात की जाती है, कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाता है, कोई नहीं है बताने वाला। और ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई कोच या मेंटर या महंगी बुक्स अफोर्ड कर सकें। इसलिए इस ऐप के ईयरली प्रीमियम की प्राइस इतनी कम रखी गई है कि सभी लोग इसे अफोर्ड कर सकें। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और आप 500 या 1000 रुपए की एक बुक समरी या फिर 1000 रुपए का ईयरली प्रीमियम प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि तो फिर इस ऐप को पूरी तरह से फ्री कर दो, प्रीमियम की जरूरत ही क्या है। देखिए, इस पर 400 बुक समरीज फ्री हैं ऑलरेडी, और जहां तक मैं जानता हूं पूरी दुनिया में ऐसी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो। एंड दूसरा यह कि पूरी दुनिया में ऐसी भी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो बिना किसी एड्स के। ये बुक ऐप इज एन एड फ्री ऐप। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे राइटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये फुल टाइम काम कर रहे हैं, और इस ऐप का प्रीमियम प्लान्स के अलावा कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। 3 साल से प्रीमियम यूजर्स की मदद से हम इसे ब्रेक इवन पॉइंट पे चला रहे हैं, यानी कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, और ये सक्सेसफुली चल रही है। तो सभी प्रीमियम यूजर्स को दिल से थैंक यू। तो अगर आप 399 का प्रीमियम प्लान ले सकते हो तो जरूर ले लो, इससे आप 400 और बुक्स अनलॉक कर लोगे। और हम डेली एक न्यू बुक समरी प्रीमियम यूजर्स के लिए डाल रहे हैं, और प्रीमियम यूजर्स के लिए और भी काफी कुछ आने वाला है। तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।